डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी की तीसरी ग्रेजुएशन सेरेमनी आज बिरसा मंडप में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रांची विश्वविद्यालय के कुलपति अजीत कुमार सिंह मौजूद रहे। मौके पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कुलपति तपन कुमार शांडिल्य ने कहा कि आज का दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही खास है। आज के दिन करीब 4000 छात्रों को डिग्री देने का काम कर रहे हैं। वहीं गोल्ड मेडलिस्ट छात्र में भी काफ़ी उत्साह था। बता दें कि गोल्ड मेडलिस्ट छात्र का कहना था कि बहुत ही मेहनत करने के बाद आज हमें गोल्ड मेडल मिला है। आज का दिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक स्वर्णिम दिन है। आज जो ये डिग्री शिरोमणि है, क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय बनने के पहले एक ऑटोनोमस कॉलेज था, रांची कॉलेज रांची। तो रांची कॉलेज रांची के टाइम पर जो बच्चे हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हुए, उन्हीं का आज डिग्री वितरण कार्यक्रम हो रहा है। वस्तुतः वो स्टूडेंट उस समय रांची यूनिवर्सिटी के थे, लेकिन रांची कॉलेज ऑटोनोमस होने के वजह से जो भी ऑटोनोमस कॉलेज होता है वो डिग्री शिरोमणि स्वयं अपने कैंपस में करता है। तो पिछले कई वर्षों से नहीं हुआ था, जब से यूनिवर्सिटी बना 2018 से, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यानी कि रांची कॉलेज रांची जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बना यानी यूनिवर्सिटी का रूप लिया, तो बीच में डिग्री शिरोमणि का कार्यक्रम नहीं हो सका। तो ये रांची कॉलेज रांची कहें, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी कहें, ये तीसरा जो है उपाधि समारोह आयोजित किया गया आज, और यूँ कहें कि ये अंतिम भी है, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी का जो बचा हुआ या रांची कॉलेज का बचा हुआ डिग्री था वो आज के दिन थर्ड माने कुल मिलाकर ये तीसरा समारोह हो रहा है, और आज अंतिम भी माने या थर्ड भी, थर्ड अंतिम है कि अब आगे हम लोग अब केवल कन्वोकेशन का कार्यक्रम करेंगे। ये बचे हुए डिग्री जो कि रांची यूनिवर्सिटी रांची के अंदर पास किए हमारे विद्यार्थी, लेकिन हमारा उस समय कॉलेज ऑटोनोमस था, इसलिए हमने ये समारोह को आज अंतिम रूप देने का कार्यक्रम किया।